हम इधर क्यों आए हैं? अरे हमारी पेंशन सुनो फ्रैंकलिन भैया ना यार आजकल ज्यादा सोच रहे होंगे ना कि यार ये लोग अब स्कूल जा रहे हैं, लेकिन गाइस यार आज ना स्कूल जाने का प्लान है हमारा, लेकिन ना फ्रैंकलिन भैया को थोड़ा तंग करते हैं। अब आता फिर फ्रैंकलिन गुस्सा हो जाएगा। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया को बस थोड़ा तंग ही तो करना है, तंग करने में क्या जा रहा है। अब आ सब बात तो सही है, तंग करने में मजा भी तो बहुत आता है। अरे हाँ यार ये बात तो सही है, तंग करने में जो मजा आता है ना वो कहीं पे भी नहीं है। तो भाई तो बोलो हमारी फिर, इसलिए यार चलो यार तंग करते हैं फ्रैंकलिन भैया को। मत करना मैं सारा काम करवा दूंगा, ठीक है फ्रैंकलिन सर? क्योंकि तो गाइस देख रहे हो पीछे गाड़ियों की कितनी भीड़ लग गई। तो गाइस यार अपन का यार टोरा ही ऐसा यार, पंचायत जोड़ लेते हैं अपनी बिल्कुल ही। तो गाइस देख रहे हो ना अपनी यार नई नवेली क्रेटा को मैं यार अभी ना दूसरा कलर करवा के आ रहा हूँ, जो कि है गाइस यार आपने टाटा की गाड़ियों में जेट एडिशन देखा होगा, और वो भी डुअल टोन में आता है व्हाइट और ब्लैक। अरे यार शिट यार यार, एक तो यार ये हमारे घर की जो लोकेशन है ना न्यू मेंशन की गाइस देख रहे हो, ये वाले रास्ते से होकर के आती है, और जिस वजह से यार गाड़ी ना बहुत ज़्यादा कीचड़ कांद हो जाती है। और देख रहे हो कीचड़ में मिल गई यार गाड़ी, यार शेट यार भाई ये क्या हो गया भाई, कीचड़ में मिल गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है सहन कर लेंगे, लेकिन यार सहन भी तो नहीं होती ना ये चीज़ें। चलो भाई जल्दी से चलते हैं और शीशे से पूछते हो कलर कैसा लग रहा है, नहीं तो यार वापस से ब्लैक करवाना पड़ जाएगा। तो गाइस जल्दी से पहुंचते हैं। चल छी सर ये क्या कर दिया? क्या हो गया सर? आप तो काली क्रेटा ले गए थे और ये क्या कलर करवा दिया सर? ये तो कोई छोटी मोटी गाड़ी लग रही है सर, क्रेटा आपकी ब्लैक में टोरा जम रहा था इसका है। और क्या सर जी आपने तो यार दिमाग खराब कर दिया सर, ये कौन सा कलर होता है? अबे यार तुम लोगों को अच्छा ही लगा? अरे हाँ जी सर जी, तो यार मैं शिनचैन से क्या पूछूं, जब यार मेरी पुलिस सिक्योरिटी को ही अच्छा ही लगा तो फिर अच्छा ही नहीं होगा। देख रहे हो गाइस घास में मैं पता क्यों चला रहा हूँ, घास से ना ये सारी कीचड़ मिट्टी साफ हो गई है। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन सर इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, और सर हम वापस से ब्लैक कर। चलो यार कर दो गाइस, यार इनको अच्छा ही लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताएं ना, कल की वीडियो में मैं आपको यही कलर दिखाऊंगा, और गाइस नए नए कलर भी दिखाऊंगा मैं इसमें कि कैसा लग सकती है और कलर में। फ्रैंकलिन भाई घर में एंटर कर रहा है। ओके फ्रैंकलिन सर कैसे हो? बस बढ़िया भाई बढ़िया। ओके ओके ओके, अबे भाई यार इतनी घिचपिच क्यों कर रखी है? मतलब सर अबे यार इतनी जगह है और तुमने गाड़ियां निकाल के इस तरीके से क्यों खड़ी करी है? सर जी वैसे ही कलर बड़ा सही लग रहा है। अरे यार कितनों को सही लग रहा है, कितनों को बेकार लग रहा है भाई। यार मैं नहीं यार, ये चीज़ का कल डिसीजन होगा, और यार तुम लोग इसका कलर चेंज कर देना, ठीक है सर जी आपकी जैसी इच्छा। ठीक है भाई ठीक है। ओके सो गाइस ये रही अपनी गाड़ियाँ, देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा बेस्ट लग रही है भाई। अरे सर जी बेस्ट तो सारी गाड़ियाँ ए टू सेड, और आप तो क्रेटा को बढ़िया बना के लाए। बताओ यार गाइस, यार हम क्रेटा से इसका कंपेरिजन कर रहे थे इस बुलेरो का। क्या यार ये बुलेरो आज यार गाइस, आज यार इनका दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं कि गाइस बुलेरो अच्छी है या क्रेटा अच्छी है। ठीक है आपको कमेंट में आप कमेंट कर बॉक्स में यार अभी से ही लिख दो गाइस कि क्रेटा अच्छी है या बुलेरो अच्छी है, अभी से कमेंट बॉक्स में लिख जाओ। देखो क्रेटा वाले लोग क्रेटा ओपी लिख दो, नहीं क्रेटा क्रेटा लिख दो, और बुलेरो वाले बुलेरो नियो लिख दो, तो मेरे को पता चले कि कौन लोग क्रेटा के साथ है कौन बुलेरो के साथ है, और आज पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब हम सारा कॉम्पिटिशन करेंगे। अरे अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? अरे माइकल भाई कहाँ पे हो? अरे यार यहाँ पे ही हूँ मैं। चलो भाई शिनचैन हिमावरी पिंचन को देखने चलते हैं। और भाई अरे भाई ऊपर, अरे अरे फ्रैंकलिन क्या हाल चाल है? अरे माइकल भाई, माइकल भाई की आवाज़ आ रही है। अरे हाँ माइकल भाई बोलो क्या हाल है आपके? बस भाई तैयार हो रहा। अरे यार तैयार नहीं हुए, सूट बूट तो पहन रखा। अरे कल मीटिंग से आया था ना इसलिए। अच्छा और ये क्लाइंट्स? अरे क्लाइंट्स नहीं दोस्त है मेरे। अच्छा अच्छा कॉलेज फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आते ही गाइस इनके कॉलेज फ्रेंड्स आने लगे, क्योंकि आसपास इनके ना सारे फ्रेंड्स रहते हैं वो दूर पड़ जाता था। और क्या फ्रैंकलिन ड्राइवर भाई यार आप तो कुछ तैयार हो जाया करो यार, ये गंदी बनियान क्यों पहन लेते हो? मैंने कितनी बार मना किया है। अरे यार सही तो है, आज वैसे करने के वाले हैं। अरे आज हमारी गाड़ियों का नई नई जो क्रेटा बुलेरो है ना, इनकी ना दूध का दूध पानी का पानी करना है, और गाइस ये क्रेटा बुलेरो के साथ दो गाड़ियों को और एड ऑन करना है। शिनचैन शिनचैन कहाँ पर है शिनचैन? ओके सो गाइस शिनचैन हमारी पिनचैन। ओ भाई साहब ये तो आवाज़ ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी, भाई इधर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये भाई बिल्कुल ही आवाज़ नहीं दे रहे, हद होती है होम थिएटर में। और गाइस इनका ये वाला रूम ले चुका है ना इन लोगों ने। पिंचन स्कूल जाना है तो वो कहीं स्कूल के नाम से फिर बदतमीजी तो नहीं चालू कर दी? एक दो दिन जाते हैं सिक्योरिटी। तुमने शिनचैन पिंचन हिमावरी पिंचन को देखा क्या? नहीं सर जी, चॉपर रॉटविलर को? अरे चॉपर रॉटविलर मतलब चॉपर वो अपने ब्रूनो को? नहीं नहीं सर जी नहीं। ओके ओके एक से, अबे यार तो फिर कहाँ पे होंगे ये लोग? अबे यार यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अबे यार यहाँ पर टीवी भी नहीं देख रहे, ये तो टीवी भी नहीं देख रहे भाई, टीवी देखते मिलते हैं नहीं तो। भाई यार गजब हिसाब किताब है, यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे, उनसे पूछता हूँ, क्लाइंट से पूछता हूँ। ये डिजाइनर है, क्लाइंट्स नहीं है। और सुनो, अरे अरे हाँ जी सर जी, शिनचैन हमारे पिंचन को देखा? नहीं नहीं सर जी हमने तो नहीं देखा। यार खामोखा यहाँ पे आके फ्री की कॉफ़ी लेते रहोगे, देख भी लेते हो। सर क्या बोला आपने? कुछ नहीं भाई मैं क्या बोलूँगा यार, मैं कुछ बोल भी रहा हूँ। अरे यार कहीं वीडियो तो नहीं बना रहे कहीं? यहाँ पे भी देखो नहीं है, वीडियो बना रहे होंगे कहीं।
भाई यार गाड़ियां भी ऊपर खड़ी हैं, कोई कोई घर से बाहर गया है क्या? नहीं फ्रैंकली सर, ये लोग घर से बाहर ही नहीं गए, तो कहाँ पे हो सकते हैं? मेरे वाले रूम में हरकतें कर रहे होंगे और क्या है भाई। नहीं यार, अबे यार मेरे वाले रूम में भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हिसाब सर, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ फ्रैंकली सर? ये मैंने शिंचन वाली पिंचन को ना बाहर देखा था छुपते छुपाते। हाँ तो ऐसी कौन सी भाई लग गई यार मेरे तो। अबे यार क्या वो बोलूँ, वापस से थ्रस्टर में बैठूँ क्या गाइस इसके लिए? फ्रैंकली भैया कहीं इधर तो नहीं आ रही? एक सेकंड भाई, मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है गाइस, मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है। ओके सो गाइस, वहाँ पे ये शिंचन हमारी पिंचन, ये दूर से ना कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस, क्योंकि ये बाहर कंट्री के हैं ना, तो गाइस कुछ ऐसे प्रकार के दिख रहे हैं। ओ भाई शिंचन हमारी पिंचन चौक इधर है बेटे, इधर मेरे से छुपके क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? मुझे जल्दी पड़ी हुई है क्योंकि मेरे को यार करना है अपना चैलेंज, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं पड़ी भाई। अरे यार फ्रैंकली भैया तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हें पता नहीं, तुम मेरे को पता नहीं चलेगा कि तुम लोग इधर हो? कैसे पता चला? कैमरे लगे पड़े हैं, कैमरे तो इधर कहीं पर भी नहीं है, मैंने तो जगह ढूंढ के सोच समझ के ली थी। अब चुपचाप से चलो यार, गाड़ियों का चैलेंजेस पूरा करना है। तो आज स्कूल नहीं है क्या? स्कूल के चक्कर में कर रहे हो ना तुम लोग, चलो स्कूल जाओ। अरे नहीं यार, अरे यार गाड़ियों का चैलेंज पूरा करना है, जल्दी बाहर मिलो यार मेरे को। ठीक है फ्रैंकली भैया। तो गाइस ये लोग मेरे को बाहर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माइकल भाई तैयार तो हो जाओ। अरे फ्रैंकली माइकल भाई, यहाँ से अगर मैं कुछ फेंकूँ तो आपके पास आएगा क्या? देख ले करके। ओ नहीं यार, अरे यार भाई ये इतनी अच्छी शील्ड है यार ये फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस चलो यार जल्दी चलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी सारी गाड़ियां हम लोगों ने रेडी कर ली है, तो मैं चलाने वाला हूँ अपनी क्रेटा और शिंचन चलाने वाला है वरना। नहीं, हम तो यार शिंचन पिंचन हमारी मतलब हम लोग यार बैठेंगे बुलेरो में। अरे भाई बैठ बुलेरो में, ओके। अरे फ्रैंकली मैं यार ये स्कॉर्पियो लेके आऊंगा। अरे मैं ये लेकर के आऊंगा। हाँ और ड्राइवर भाई के साथ मैं बैठी हूँ। ठीक है, हिमावरी बैठ गई, हिमावरी ने धोखा दे दिया था। चले भाई जल्दी से पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कौन जल्दी पहुँचता है। अरे कंपटीशन रेस वाला लग रहा है क्या? हाँ भाई, जो जल्दी पहुँचा भाई उसके लिए इनाम है। अरे ठीक है गाइस, सारे ड्राइवर मतलब सारे भाई लोग बैठे वाले। अरे यार निकले। ओके सो गाइस वरना पहले, ओ भाई स्कॉर्पियो ये भी निकल गए हैं, तो गाइस इनसे पहले मैं बचने वाला हूँ। तो गाइस यार अपनी गाड़ी भगा रहे हैं अच्छी तरीके से। अरे फ्रैंकली भैया नहीं पहुंच पाओगे गाइस अपनी गाड़ी। अरे फ्रैंकली तूने गाड़ी में अपने बड़े व्हील्स लगाए ना, आज तुझे डिसएडवांटेज फील होगा। अरे आपको क्या पता है भाई, देखो गाइस गाड़ी का मैं फर्क नहीं बोलूंगा गाइस, मैं तो अपना फर्क बोलूंगा गाइस। मैं चलाता हूं गाड़ी बहुत अलग तरीके से, तो गाइस मैं अलग तरीके से चलाता हूं तो मैं जीतूंगा इस रेस को। तो गाइस हमें पहुंचना है सबसे पहले एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए हमें चलानी पड़ेगी गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट। ओ भाई साहब वरना में कौन बैठा था भाई, इतनी स्पीड में कौन निकल के गया वरना में बैठ करके? ओके सो गाइस देखो यार, पहले तो मैंने यार स्कॉर्पियन को हराया। अरे भाई हरा दिया ना स्कॉर्पियन को। ओ भाई किस साइड से जा रहा भाई, ये शिनचैन है किस में? अरे फ्रैंकली मैं बैठा हूँ, ड्राइवर भैया के साथ मैं बैठी हूँ। अच्छा हिमावरी और ट्रेवर भाई है इसमें। ओके तो गाइस ये जा रही है। ओके सो गाइस मैंने पीछे दो गाड़ियों को तो हरा ही दिया और आगे हमारी वरना चल रही है। गाइस मैंने ना इन लोगों को जाने का मौका दिया है, तो कोई बात नहीं इन लोगों को जाने देते सबसे पहले। लेकिन अब यार मैं बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने वाला हूँ क्रेटा को। मैंने ना गाइस यार मेरे को ना मोड ऑन करना था क्रेटा में, अब मैं भगा के ले जाने वाला हूँ गाड़ी को, देख रहे हो? अरे भगाया इतने, अरे बुलेरो तो बहुत पीछे छूट गई है ना, छूट गई ना शिनचैन। कहाँ से जाना है अबे यार, किस रास्ते से जाना है, मैं कौन सा रूट पकड़ के जाना है? वो भाई वो जा रही वरना सामने से, वो ही रोड के पीछे। ओके सो अरे फ्रैंकलिन इतनी स्पीड में, और क्या भाई है तो दोनों हुंडई की गाड़ी ना गाइस, तो भगेगी तो सही ना मेरी गाड़ी तो। अरे फ्रैंकलिन तूने तो मेरे को भी पीछे छोड़ दिया। अरे तो मतलब हुंडई की गाड़ी का फर्क नहीं होता भाई, बंदे में दम होना चाहिए, बंदा गाड़ी स्पीड में चलाना चाहिए। ओके सो गाइस देखो ट्रेवर भाई ने मेरी वजह से ट्रेवर भाई की गाड़ी गई। अरे फ्रैंकलिन तेरी मेरे पक्की तेरी वजह से गई है ये। अरे यार इसको ठीक सीधी करनी पड़ेगी गाइस, सीधी करने के लिए जल्दी करते हैं सीधी। गाइस मैंने इसको सीधा किया, उस कारण से क्या हुआ ना, पीछे से आ गई स्कॉर्पियोन और स्कॉर्पियोन आगे निकल गई है। स्कॉर्पियोन कितनी दूर तक जाएगी? अरे फ्रैंकलिन जहाँ तक जाएंगे उधर तक ही जाएंगे। अरे भाई ओके सब गाइस देख रहे हो ना गाइस, और गाइस काफ़ी लोग मतलब कौन किस गाड़ी के साइड है कमेंट करके बता दो, कौन वरना जीतेगी क्या? वरना भाई बड़ी भयंकर तरीके से आ रही है गाइस, ये भाई ट्रेवर भाई बड़ी भयंकर तरीके से लेके आ रहे हैं। तो गाइस अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एयरपोर्ट पर पहुँचना पहला तो मेरा ही होना चाहिए गाइस, लेकिन यार यहाँ पर माइकल भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। वो भाई माइकल भाई ने तो एंटर भी कर गए। अरे ये कौन है? अरे भाई माइकल भाई यहाँ एंटर कर गए हैं, माइकल भाई से पहले मेरे को पहुँचना है उस डेस्टिनेशन पे। ओके सो गाइस जल्दी। ये देखो कितना फनी हॉर्न है भाई, यार कुछ ज्यादा ही मोड़ तेज है भाई इसमें। अबे यार गाइस ओए जल्दी चल पहुंच क्रेटा, क्रेटा तुझे सबसे पहले पहुंचना है क्रेटा, नाक मत कटा दियो। ओके सो गाइस मैं पहुंच गया पहले। अबे भाई मैं स्कॉर्पियन से पहले पहुंच गया गाइस, ये लोग दूसरा रूट पैदा रहे थे, मैंने शॉर्टकट लिया।
थोड़ी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा उठाते हुए शॉर्टकट लेते हुए आपका भाई आ गया। अब देखो ये लोग आएंगे घुमा फिरा के और आपका भाई पहुंच गया स्पीड से। ओके आ जाओ भाई आ जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन तू पहले पहुंच गया। अरे यार मेरे को ये शॉर्टकट नहीं पता था। यार आपको शॉर्टकट का पता रहना चाहिए था ना ट्रेवर माइकल भाई, तो आप जीत जाते। गाइस वैसे यार देखा जाए तो माइकल भाई जीत जाते, स्कॉर्पियन जीत जाती, लेकिन गाइस मेरी गाड़ी ना ज़्यादा स्टे ट्यून्ड करने की वजह से ना गाइस ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई। देखो अब आ रही है वो बुलेरो, देख रहे हो अबे वो बुलेरो आ रही है, ये भी अपनी घूम घूम के आएगी। क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया? कुछ नहीं, देख रहे हो गाइस अब ये बुलेरो है, अब ये शिनचैन इतना धीमे धीमे लेके आएगा, देखना कितनी धीमे चला रहा है वह। यार हद होती है, अब यार लेकर आएगा उससे पहले देखो यार हम पहुंच गए हैं। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्रिएटा कमेंट बॉक्स में ओपी लिख दो, क्रिएटा ओपी, क्रिएटा ओपी कमेंट बॉक्स हो जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में, है ना यार भाई मजा आ जाएगा। आप लोग सामने दिख के तो समझ गए होगे करने क्या वाले हैं भाई, क्या कंपटीशन होना है। अब देखो रेस कंपटीशन में तो जीत गई हमारी क्रेटा कार, तो गाइस कंपटीशन ये होना है कि गाइस देख रहे हो सामने सामने देख रहे हो ये जो है ना ये रैम से हमें गाड़ी कुदानी है, तो ये रैम से गाड़ी कुदा सकते हैं हम? अरे क्यों नहीं कुदा सकते, तो चलो भाई रैम से गाड़ी कुदाने के लिए भगाते हैं भाई। अरे फ्रैंकलिन चला जल्दी। ओके तो गाइस यार मैं ना यार दूसरी गाड़ी सबसे पहले चलाऊंगा, पहले मैं क्रेटा नहीं चलाने वाला। गाइज अपनी क्रेटा बुलेरो और अपनी स्कॉर्पियन, तो सबसे पहले स्कॉर्पियन में बैठते हैं, इसको रैप करते हैं और भगा करके ले जाते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक जाती है स्कॉर्पियन। ओके तो गाइज करते हैं देखते हैं। ओ भाई साहब पकड़ने के लिए तो बिल्कुल रेडी हो रही है स्कॉर्पियन। गाइज स्कॉर्पियन किस किस की फेवरेट है कमेंट करके बताओ, स्कॉर्पियन जीतेगी कौन सी गाड़ी जीतेगी। ओके सो गाइज मैंने भगाई गाड़ी बहुत स्पीड में, अब देखते हैं कितना पहुंचता है। फ्रैंकलिन भैया फुद्दू ना रह जाए। अरे फ्रैंकलिन अच्छे से चलाइए यार, मैं लेके आया था इसको। अरे नहीं यार गाड़ी का थोड़ा वजन ज्यादा है ना, तो गाइस थोड़ा बहुत डगमगा सकती है। देखते हैं गाइस रोल होते हुए भी कितनी दूर तक जाती है, क्योंकि गाइस इसकी कैपेबिलिटी पे निर्भर होता है रोल होना भी, है ना गाइस, तो इस वजह से हम देख रहे हैं। तो गाइस ये गई है यहाँ तक, देख रहे हो अपनी स्कॉर्पियन कितनी दूर तक आ चुकी है गाइस, मतलब बहुत अच्छी बात है यार स्कॉर्पियन का इतना दूर तक आना, देख रहे हो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है भाई, बहुत अच्छी। तो तुला रात क्यों मारी? अरे आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ भाई, आने के लिए यार कोई बाइक का इंतजाम करना पड़ेगा, मैं आने जाने का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं कैसे आऊँ जाऊँ। लेकिन चलो भाई अभी तक चलते, तब तक के लिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सिडी कर दो, सब्सिडी नहीं सब्सक्राइब होता है बेवकूफ। तो गाइस अब देखो यार अपनी स्कॉर्पियन तो आगे चली गई है, तो देखते हैं अपनी वरना कितनी दूर तक जाती है। वरना तो आपकी ना ऐसी तैसी कर दूंगा। नहीं, हमारे पे दो महिंद्रा की गाड़ी थी और दो हमारे पे हुंडई की, तो महिंद्रा की गाड़ी को पहले टेस्ट कर लेते हैं ना। तो अपनी ये रही कौन सी, बुलेरो, हाँ डब्बा को लेकर के चलते हैं। डब्बा किसको बोला? बुलेरो को बोला। ऐसे नहीं बोल सकते फ्रैंकलिन भैया, आप यार डब्बा नहीं बोल सकते अपनी बुलेरो को। ओके सो गाइस बुलेरो तो थोड़ी सी हल्की है, तो गाइस भाई यार ये हल्की तो है लेकिन इसकी एरोडायनामिक्स बहुत कमजोर है गाइस, जिस वजह से बुलेरो रह गई है। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है, फिर से करो। अरे यार फिर से करके देख लेते हैं, लेकिन यार मुझे तो नहीं लग रहा कोई गड़बड़ है। ओके सो गाइस चलो यार इसको लेकर के चलते हैं, लेकिन यार इसके एरोडायनामिक्स जो होते हैं वो इतने कमजोर कैसे हैं कि भाई ये हवा को इतना काट ही नहीं पा रही है गाड़ी। अरे कोशिश करके देखो, कोशिश करने वालों की हार होती है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बोले कोशिश करने वालों की हार होती है। ओके सो गाइस खुद आई अपनी बुलेरो वापस से, लेकिन गाइस नहीं भाई ये इससे आगे नहीं जा रही है, ये पीछे जा रही है। गाइस मुझे लग रहा है महिंद्रा वालों ने इसके एरोडायनामिक्स पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है, जिस वजह से गाइस ये गाड़ी बिल्कुल ही खड्डे में है भाई, यहाँ तक पहुँची है, मतलब इस गोबर जैसे पंजे के पास पहुँची है। मतलब यार क्या है यार महिंद्रा, ये बुलेरो तो भाई चलो सस्ती भी है उस हिसाब से, लेकिन सस्ते के हिसाब से भाई कुछ तो देना चाहिए था, कुछ भी नहीं है भाई इस गाड़ी में, हद है यार ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा। एरोडायनामिक्स इतने घटिया हैं इसके, घटिया बिल्कुल। स्कॉर्पियन तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है स्कॉर्पियो ने, XUV700 का कभी चैलेंज हुआ है? नहीं यार। अरे मारुति की कोई गाड़ी है? हाँ यार वो है स्विफ्ट और ईको, ईको का कभी नहीं किया ना? हाँ यार आज ईको चला के देखेंगे गाइस। विगो गाइस अपनी आती है वरना की बारी, बस यार वरना, यार वरना बहुत ज़्यादा नीचे है, कहीं यार भिड़ ना जाए गाइस, मुझे तो डर लग रहा है भाई वरना कहीं भिड़ गई तो। गाइस वरना भगा लियो भाई, वरना दिक्कत मत दियो यार, वरना चढ़ जाइयो वरना, नहीं तो तेरी वरना ऐसे तैसे कर देंगे। क्योंकि तो गाइस ये बहुत ज़्यादा यार स्कॉर्पियन से तो आगे जानी चाहिए, क्योंकि हल्की गाड़ी बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन इसकी ये क्या हुआ यार स्कॉर्पियन से आगे पहुँच भाई, यार हमारे तो स्कॉर्पियो है नहीं, बहुत गजब रह गई फिर तो। देख रहे हो गाइस ये देखो मैंने एक्सीलेट नहीं दिया, ये इतनी आगे तक ही जा पाई है, पर रुक जा ओके काफ़ी क्लोज आ गई, लेकिन यार स्कॉर्पियो मैं स्कॉर्पियो को बेकार समझ रहा, स्कॉर्पियो ने तो मेरा दिल जीत लिया गाइस बिल्कुल ही।
फाइनली गाइस अब बारी आती है मेरी प्यारी प्रिय क्रेटा की। तो गाइस अब क्रेटा देखो, मेरी प्रिय तो वरना थी लेकिन अब यार क्रेटा हो गई है। और आप लोग कह रहे हो कि भाई आपकी जो रियलिटी में जो आइटम न्यूज है उसको क्यों नहीं चलाते हो? भाई चलाऊंगा लेकिन गाइस इसके साथ ना हैचबैक का अलग कॉम्पिटिशन होता है। वो हैचबैक गाड़ी है और अभी एसयूवी का हो रहा है। तो गाइस चलो यार अपनी, अरे फ्रेंकली भैया ये बेइज्जती ना करवाए ना भाई, खींच के ले जा रहा हूँ गाइस यार। बस यार क्रेटा बेइज्जती मत करवा दी, स्कॉर्पियन से आगे चल जाइयो भाई, बहुत मजा आ जाएगा अगर चली गई तो। अरे फ्रेंकली भैया, अरे ये तो इधर ही अटक गई। ये क्या हुआ इसमें? अरे यार ये तो इधर ही अटक गई फ्रेंकली भैया। अबे यार ये क्या है भाई दिक्कत क्रेटा में, ये मतलब वरना नहीं अटकी और ये अटक गई। अरे यार पता नहीं क्या झोल है प्रिंकी भैया। अरे यार तो चल भाई मैं फिर से करता हूँ 1 2 3 गाइस। अब की बार मैंने थोड़ा सा कम रनवे लिया है, अब देखते हैं किधर तक जाती है। ओके सो गाइस गई कहाँ तक जा रही है? ओ भाई साहब, ओ भाई क्रेटा ने तो दिल जीत लिया भाई, अगेन फिर से दिल जीत गई। देख रहे हो ना गाइस कितनी दूर तक आ चुकी है, मतलब यार यहाँ पे आ गई, घास वास रनवे वनवे छप छोड़ के आ गई। और बल्कि मैंने इसका ना थोड़ा सा कम ही रनवे लिया था, मतलब यार क्रेटा बहुत ज़्यादा बेस्ट है यार, ये तो वरना से भी बेस्ट निकली, मेरे को तो वरना लगती थी। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, लेकिन अपनी स्कॉर्पियो एन भी धमाल है भाई। स्कॉर्पियो एन की बात अलग है यार, यार ये गजब गाड़ी है। मतलब यार देखो इसमें ना एक बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी, और आपकी 5 सीटर भी गाड़ी है और 1500 cc का इंजन भी है इसमें। यार आपको इंजन भी बहुत अच्छा मिलेगा 2200 cc का, गाड़ी भी बहुत हैवी मिलेगी, 7 सीटर भी मिलेगी, बड़ी गाड़ी भी मिलेगी। तब भी गाइस ये इतनी दूर तक आना ना यार, इट्स नॉट अ मतलब छोटी बात नहीं है कोई। यार इसके व्हील्स चेंज करके व्हील्स बड़े करके देखूं कि इसमें कैसे लगेंगे। अटके व्हील्स लगाए हैं थोड़े माफिया टाइप से, अब यार इनको ना बड़े करता हूँ, यार बड़े करके देखता हूँ कैसी लगेगी अपनी स्कॉर्पियो एन। भाई यार मैं स्कॉर्पियो एन में बैठ गया हूँ तो इसमें अलग ही फील आ रहा है। ओके तो गाइस देख रहे हो, ओ भाई साहब काफ़ी बड़े कर दिए मैंने तो ये, अब यार काफ़ी बड़े हो गए, और मोटाई भी काफ़ी हो गई है। और भी करूँ क्या? नहीं 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 इतनी काफ़ी है। ओ गाइस देख रहे हो स्कॉर्पियो एन कितनी खतरनाक लग रही है भाई, वह भाई क्या लुक आ रहा है इसका, वह भाई चलने में। और लेकिन यार इसकी तो स्टेबिलिटी बिल्कुल गई, अब यार इसकी तो स्टेबिलिटी गई छी, अब यार ये तो डगमगा रही है, मतलब डगमगा नहीं रही गाइस। अगर मैं इतनी स्पीड पे हूँ ना और मैं टर्न लेने की कोशिश करूँ, ये टर्न नहीं हो पा रही ढंग से, अबे हद होती है यार गाइस। लुक में देखो, लुक अगर अच्छा है तो यार को नेगेटिव्स भी बहुत हैं कि गाइस गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल ही खो चुका है, गाड़ी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल कहीं पर भी हो सकती है गाइस, ये बात मानने की है। लेकिन गाइस क्या लुक आ रहा है भाई, लुक का तो कोई जवाब नहीं ना, अब लुक के लिए तो भाई यार हम ये लोग भी सहन कर लेंगे। तो गाइस स्कॉर्पियो एन में अब यही वाले व्हील्स इंस्टॉल रहेंगे, जिससे यार बहुत ज़्यादा भयंकर लग रही है स्कॉर्पियो एन। अरे भाई क्या गजब गाड़ी है यार, भाई मेरा तो दिल आ गया इस पर। अरे यार तो आपके पास तो है ही ना गाड़ी है यार, आप तो या तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा दिल आ गया अभी खरीद लूँ। हाँ नहीं 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 भाई हमारे पास तो है, और एक है वो अपनी बोलेरो टट्टी सी भाई, यार यही थी भाई, बहुत तगड़ी थी भाई गाड़ियाँ। तो गाइस हम इधर ही अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आप जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। भाई फ्रेंकली भैया की तो ऐसी की तैसी बकवास कम कर भाई, क्यों बोल रहा है भाई मेरी ऐसी तैसी क्यों करवा रहा है भाई, तेरे को मैंने कुछ छीन लिया क्या? अरे छीना नहीं है पर ऐसी तैसी करवा रहा हूँ बस मैं आपकी। अरे चल ना यार दिमाग मत चाट यार। ओके सो गाइस चलो मिलते हैं, और भाई देखो यार लुक में देखो अपनी यार स्कॉर्पियो एन कैसी लग रही है, और गाइस यार अपनी ये देखो क्रेटा कैसी लग रही है, मतलब यार दोनों ही लुक में बहुत ज्यादा बेस्ट लग रही है, मतलब ये तो बीस्ट लग रही है यार, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया।